हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा? सब पढ़ाई बढ़िया मस्त चल रही बच्चों? तो बेटा, हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के अगले वीडियो में आ गए हैं। देखो, जो पिछले वीडियो मैंने पढ़ाया हुआ था, यह यहाँ पर अभी लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो बेटा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ। वो सब कहाँ मिलेंगे? वो आप प्ले लिस्ट पर जाइए, प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको एक प्ले लिस्ट दिखेगी, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। उस प्लेलिस्ट में बेटा आपको पुराने सारे वीडियोस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बेटा एक और प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने एनालिटिक फंक्शन पूरा अपलोड किया हुआ है, अच्छे से डिटेल से बहुत पढ़ाया हुआ है, एक एक क्वेश्चन कराया हुआ है। और उसमें मैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन अभी अपलोड कर रहा हूँ, अपलोडिंग जारी है बच्चों। और बेटा बहुत सी प्लेलिस्ट में पढ़ा रहा हूँ, टोपोलॉजी, टेंसर, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, वेक्टर स्पेस। ठीक है बच्चों, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, बहुत सारे टॉपिक बेटा पढ़ा रहा हूँ। सब कुछ मिलेगा, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में इंटर करिए, आपको सारे टॉपिक वहां पर अलग अलग मिलेंगे। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आज हम लोग कॉची इंटीग्रल थ्योरम पर बेटा आ गए हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, जो इससे पहले के मैंने वीडियो पढ़ाए हैं उनको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत सी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जैसे बच्चे इस टॉपिक में क्या होता है, बच्चे एक कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं, बच्चे सोचते हैं पर इसमें कॉची इंटीग्रल थ्योरम पढ़ लेना, उसके आगे पीछे बहुत कुछ है जो पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉची इंटीग्रल थ्योरम में भी आप कंफ्यूज होंगे अगर आगे पीछे की चीजें नहीं पढ़ेंगे। तो यही चीज एनालिटिक फंक्शन में था, बच्चे सोचते हैं बस कॉची रहमान इक्वेशन पढ़ लें बस, ना ऐसा नहीं है, उसमें आगे पीछे बहुत थ्योरी है, सब मैंने पढ़ाई हुई है। एनालिटिक फंक्शन में जाइए, वहां पर आपको डिटेल थ्योरी बच्चों मिलेगी। चलिए बच्चों, इसको मिटाते हैं और हम लोग आगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आज बढ़ते हैं। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मैं ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया है, थोड़ा मिटाना पड़ेगा बेटा, बोर्ड काफी ज्यादा गंदा हो गया है, मुझे याद नहीं रहा पहले मिटाना चाहिए था। चलो खैर यार, ये सब तो पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, चलता रहता है बच्चों, कोई टेंशन नहीं लेना इसमें। चलिए बच्चों, देखो हम लोग बेटा पढ़ते हैं कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम। देखो बच्चों, क्या होता है कॉचीज फंडामेंटल थ्योरम, कॉचीज फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, देखो बच्चों, कॉची ने एक थ्योरम बताई, इसको हम कहते हैं कॉचीज फंडामेंटल थ्योरम या कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम या कॉचीज ओरिजिनल थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, कॉचीज ओरिजिनल थ्योरम, ठीक है, कई इसके नाम हैं, या इसको कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम भी कहते हैं, कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम भी बच्चों इसको हम लोग कहते हैं, कई इसके अलग अलग नाम है। देखो बच्चों, कॉची ने कहा कि मान लीजिए आपके पास कोई एक क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व या क्लोज्ड कंटूर भी इसे कहते हैं कई बार, क्लोज्ड कर्व। ठीक है, या इसको बच्चों हम लोग क्लोज्ड कंटूर भी कहते हैं। देखो अब बच्चों, ये जो क्लोज्ड कर्व है, देखो ये कर्व क्या होता है, ये तुमको मैंने बताया था, एनालिटिक फंक्शन में जाइए, वहां मैंने बताया था क्लोज्ड कर्व क्या होता है, फिर बता दूं मैं आपको शॉर्ट में। जैसे कंटूर एक टर्म आया, कंटूर का मतलब होता है कंटिन्यूअस चेन ऑफ फाइनाइट आर्क, मतलब बहुत सारे छोटे 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 आर्क ले लें, फाइनाइट आर्क ले लें बहुत सारे, उनकी एक कंटिन्यूअस चेन बना दें तो उसे हम कहते हैं कंटूर। जैसे कि मान लो यहां से यहां तक मैंने कंटिन्यूअस चेन बना दी तो ये क्या हो गया, कंटूर या कर्व, कर्व भी कह सकते हैं। क्लोज का मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट मिल जाए, जैसे इनिशियल और फाइनल पॉइंट मिल गए तो हो जाएगा कर्व, क्लोज कर्व या क्लोज कंटूर। और मैथमेटिकल डेफिनेशन देखनी है तो मैंने एनालिटिक फंक्शन के स्टार्टिंग में, जो मेरी दूसरी प्लेलिस्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, उससे मैंने एनालिटिक फंक्शन स्टार्ट किया था, उसके स्टार्टिंग में बेटा मैंने ये सब बातें बहुत मैथमेटिकल वे से बताई हुई हैं, अब वो सब यहाँ नहीं बता सकता, फिर ये रह जाएगा, इसको पढ़ते हैं पहले। ठीक है ना, तो ये कॉची ने कहा, देखो इसको हम कॉची की ओरिजिनल थ्योरम भी कहते हैं। कॉची ने कहा कि मान लो मेरे पास एक कोई
ये क्लोज्ड कंटूर है या क्लोज्ड कर्व है, ठीक है ना। अच्छा फिर देखो कॉची ने कहा कि मान लो एक फंक्शन एफ जेड है, वो फंक्शन एनालिटिक है। एनालिटिक, एनालिटिक का मतलब होता है डिफरेंशिएबल। अब देखो बच्चों ये फंक्शन डिफरेंशियल कब होते हैं कैसे चेक करते हैं इनकी डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब भी मैंने एनालिटिक फंक्शन में पढ़ाया हुआ है, जो कि हमारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की दूसरी प्लेलिस्ट है। ये प्लेलिस्ट है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, वो सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, वो आपको मिलेगी, उसे मैंने पढ़ाया हुआ है। मतलब मोटे तौर पर कह लीजिए कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, कहाँ पर, इस क्लोज्ड कर्व पर और इसके अंदर भी, है ना, ऑन एंड इनसाइड, ऑन एंड इनसाइड क्लोज्ड कर्व, इस क्लोज्ड कर्व के ऊपर भी और इसके अंदर भी, हर जगह फंक्शन को एनालिटिक होना चाहिए। इसने पहली कंडीशन ये कही कि एफ जेड को इस क्लोज्ड कर्व या क्लोज्ड कंटूर, क्लोज्ड कर्व देखो सर्कल भी हो सकता है, क्लोज कर्व इलिप्स भी हो सकता है, क्लोज कर्व स्क्वायर भी हो सकता है, क्लोज कर्व ट्रायंगल भी हो सकता है, कंटिन्यूअस चेन होनी चाहिए और कुछ नहीं, कंटिन्यूअस चेन फाइनाइट आर्क की। फाइनाइट आर्क का मतलब कई सारे छोटे छोटे आर्क ले लिए, उनको आपस में ज्वाइन कर दिया और कंटिन्यूअस चेन बना दी, तो उसको हम क्लोज्ड कंटूर या क्लोज्ड कर्व भी बहुत सी बुक्स लिखती हैं, दोनों ही टर्मोलॉजी लिखी जा सकती है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो इसने ये कहा कि एफ जेड को इस कर्व के ऊपर और अंदर एनालिटिक होना चाहिए, यानी कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन इसने ये कहा कि एफ डैश जेड को कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है, फिर वही ऑन एंड इनसाइड, ऑन एंड इनसाइड क्लोज्ड कर्व, ठीक है, ऑन एंड इनसाइड क्लोज्ड कर्व, है ना। तो इसने दो कंडीशन कही, इसने कहा कि अगर एफ डैश जेड भी कंटिन्यूअस है ना। अब देखो फिर वही चीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटिन्यूअस क्या होता है, ये भी मैंने एनालिटिक फंक्शन में पढ़ाया हुआ, हालांकि इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, एनालिटिक या कंटिन्यूअस का इस चैप्टर में कोई बहुत यूज नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब करीब करीब ना के बराबर यूज है इन टर्म्स का, ये टर्म अभी यहाँ पर आ रहे हैं, परेशान मत हो, अगर आप एनालिटिक फंक्शन पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है, जो कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर जगह हर टॉप हर कंपटीशन में वो सिलेबस में है, आपके सिलेबस में भी वो हो सकता है। तो इन दो टर्म का कोई बहुत यूज नहीं है, परेशान मत हो, एनालिटिक का मतलब होता है डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस का मतलब भी बहुत कुछ होते हैं, ठीक है, मत परेशान हो। तो उसने कहा कि अगर ये दो कंडीशन हैं तो इस पूरे क्लोज्ड कर्व पर अगर हम इंटीग्रेट करें, मतलब जैसे एफ जेड को इंटीग्रेट करें अलोंग दिस होल कर्व, अलोंग दिस होल कर्व का मतलब क्या हुआ, मान लो एक पॉइंट ए है, तो ए से ए इंटीग्रेट करें तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कब, दो कंडीशन होंगी तब, फंक्शन इस कर्व की बाउंड्री के ऊपर और इसके अंदर भी एनालिटिक होना चाहिए, और एफ डैश जेड, एफ डैश जेड का मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डैश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी इस कर्व के ऊपर और इसके अंदर कंटिन्यूअस होना चाहिए। एफ जेड को एनालिटिक होना चाहिए और उसके डिफरेंशिएशन को कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस फंक्शन को पूरे कर्व के अलोंग इंटीग्रेट किया जाएगा, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कर्व या इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड कंटूर, अगर हम पूरे कंटूर के लॉन्ग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जीरो आएगा, या ऐसा कह दो कि हम किसी पॉइंट ए से शुरू करके पूरे ए तक इसको इंटीग्रेट करें, जैसे कि इससे पहले वाले वीडियोस में कई बार हम ऐसा कर रहे थे कि एक पॉइंट से शुरू होकर के दूसरे पॉइंट तक वापस आकर इंटीग्रेशन कर रहे थे हम लोग, मैंने बताया था आपको, एक क्वेश्चन मैंने कराया था स्क्वायर वाला, ठीक है, पुराने वीडियोस जो मैंने डाले हैं इसके बेटा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के, वहां तुमको मैंने स्क्वायर वाला एक क्वेश्चन कराया था, इसमें मैं वापस वहीं से चलकर उसी पॉइंट पर आ गया था, और मैंने कहा था कि अगर यही चीज़ रियल में कर रहे थे तो वैल्यू हमेशा जीरो हो रही थी, लेकिन कॉम्प्लेक्स में वैल्यू जीरो हो भी सकती नहीं भी हो सकती है, और मैंने ये भी बताया था कि आगे चल के हम लोग एक कंडीशन पढ़ेंगे जहां पर ये वैल्यू हमेशा जीरो होगी। देखो ये वही कंडीशन है कि अगर हम ए टू ए इंटीग्रेट करें या पूरे क्लोज कंटूर के लॉन्ग इंटीग्रेट करें, मतलब किसी भी पॉइंट से चलकर उसी तक पहुंच जाएं, तो कहते हैं पूरे क्लोज कर्व के लॉन्ग इंटीग्रेशन, और ये इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो होगी अगर ये दो कंडीशन है तब,
ये कौची ने बेटा सबसे पहली थ्योरम बताई, सबसे ओरिजिनल थ्योरम बताई। फिर क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आए, वो साइंटिस्ट आए गोरसट, है ना। देखो वो साइंटिस्ट आए गोरसट, देखो ये कौची की पहली थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम है, ओरिजिनल थ्योरम है, ठीक है। देखो इसके बाद क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आए गोरसट, देखो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए गोरसट नाम के। इन्होंने कहा कि यार ठीक है तुम्हारी पहली कंडीशन तो अच्छी बात है कि एफ जेड को कर्व पर और उसके अंदर हर जगह एनालिटिक होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा जो तुम्हारी दूसरी कंडीशन है एफ डैश जेड को कंटिन्यूअस होना चाहिए, इन्होंने कहा उसकी जरूरत नहीं है। तो गोरसट ने इनकी थ्योरम में थोड़ा सा चेंज किया, जो इन्होंने चेंज किया तो जो नई थ्योरम आई उसे हम कौची गोरसट थ्योरम कहते हैं, उसे हम कौचीस गोरसट थ्योरम कहते हैं, कौचीस गोरसट थ्योरम, या इसको हम कौचीस रिवाइज्ड थ्योरम कहते हैं, एक ही बात है, कौचीस रिवाइज्ड थ्योरम भी इसको हम लोग बच्चों कहते हैं, या कई लोग इसी को कौची थ्योरम भी बोलते हैं। हालांकि कौची थ्योरम अपने आप में अलग है, ये कौचीस गोरसट थ्योरम है जिसको ज़्यादातर लोग कौची थ्योरम के नाम से जानते हैं, बहुत से लोग केवल इसी को कौची कहते हैं। ये क्या है, इन्होंने कहा कि केवल एक कंडीशन लो, क्या कि एफ जेड इज एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक ऑन एंड विद इन क्लोज्ड कंटूर या क्लोज्ड कर्व। अगर ऐसा है तो इन्होंने कहा कि पूरे कर्व के अलोंग अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, पूरे कर्व के अलोंग, ध्यान रखना क्लोज्ड कर्व के अलोंग, जिस पॉइंट से चल रहे हैं वहीं तक आ जाना चाहिए, लेकिन फंक्शन को एनालिटिक हो, मतलब इन्होंने कहा एक ही कंडीशन से काम चल जाएगा, वो जो एफ डैश जेड आप कंटिन्यूस वाली कंडीशन लगा रहे थे उसकी जरूरत नहीं है। तो ये थ्योरम ज्यादा ईजी थी, तो लोगों को ये ज्यादा पसंद आई, तो लोगों ने कहा चलो भैया इसी से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका नाम क्या है, कौचीस गोरसट थ्योरम या कौचीस रिवाइज थ्योरम, कई लोग इसी को ही कौचीस इंटीग्रल थ्योरम भी कहते हैं, बस समझे। तो इसमें क्या है कि फंक्शन को क्लोज करके लॉन्ग और उसके अंदर एनालिटिक होना चाहिए, एनालिटिक का मतलब डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो फिर पूरे कर्व के लॉन्ग इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो जीरो होगा। हाँ, इन्होंने एक कंडीशन और लगाई कि एफ जेड को सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, इन्होंने ये कंडीशन लगाई, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब एफ जेड इस टाइप का नहीं होना चाहिए कि वो दो दो वैल्यू ले, मान लो मैंने कहा प्लस माइनस जेड प्लस वन, तो देखो यहां पर एफ जेड की दो दो वैल्यू आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, एफ जेड की सिंगल वैल्यू होनी चाहिए पूरे कर्व पर। जैसे क्या होता था बेटा, इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन किए थे, कुछ फंक्शन होता था उसको इंटीग्रेट करते थे, किसी कर्व के अलोंग इंटीग्रेट करते थे, याद है आपको। जैसे मैंने कहा भाई मान लो हमें एफ जेड का इंटीग्रेशन करना है, और एफ जेड का इंटीग्रेशन करना मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी, ए से बी तक इंटीग्रेशन करना है, फिर मैंने बताया था किस कर्व के अलोंग करना, वो कर्व दिया जाता था, तो मान लो आपको यहां से यहां करना है, यहां से यहां करना है, यहां से कहां से कहां करना, तो वही चीज है कि एफ जेड जिसको इंटीग्रेशन करना है वो फंक्शन जिस कर्व के अलोंग करना है उस कर्व के हर पॉइंट पर और उसके अंदर एनालिटिक होना चाहिए, मतलब एफ जेड अलग है और ये क्लोज्ड कर्व अलग है। जैसे यहां पर एफ जेड कुछ और होता था जिसके अलोंग इंटीग्रेट करते थे, वो कर्व कुछ और होता था, और जहां से जहां करते थे वो और होता था। अब यहां पर ये कंडीशन है कि आपको पूरे कर्व के अलोंग करना है, मतलब जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे लौट के उसी पॉइंट पर वापस आना है, यहां पर ये कंडीशन है, ध्यान रखना, ठीक है। तभी ये कौची थ्योरम आप लगा सकते हो कि पूरे कर्व के अलोंग करना है, क्लोज कर्व के अलोंग करना है, जिस पॉइंट से चले वहीं पर वापस आना है, और क्लोज कर्व का मतलब पूरा कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें बीच में ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए, बात यहां पर ध्यान दीजिए। और एफ जेड को पूरे फंक्शन पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और एफ जेड सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। तो फिर कौची ने कहा आप इसका यूज करके अपने इंटीग्रेशन की वैल्यू को डायरेक्ट लिख सकते हो, क्लोज कर्व में
सर्कल आ सकता है, इलिप्स आ सकता है, ट्रायंगल आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, स्क्वायर, क्लोज कर्व में कुछ भी चीजें आ सकती हैं, ध्यान दो। इसे कई लोग क्लोज कंटूर भी कहते हैं, हालांकि कई किताबें कंटूर की बड़ी टिपिकल डिफिनेशन बताती हैं, तो उसके चक्कर में ज्यादा ना पढ़ो, कंटूर की टिपिकल डिफिनेशन जाने दीजिए, है ना। वो लोग रेक्टिफिएबल टर्म वगैरह यूज करते हैं, बहुत टिपिकल हो जाता है, बच्चों को पल्ले नहीं पड़ता है। एक्चुअली वो पुरानी डेफिनेशन थी, जो किताबें कई आज भी लिखती हैं, उनकी जरूरत आवाज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व दिए जाएंगे, बस समझे बच्चों, लिखो जल्दी ध्यान से इसको। अच्छा, अब देखो बच्चों क्या हुआ कि इस थ्योरम को हम लोग कई अलग अलग जगहों पर कई अलग अलग तरीकों से बच्चों यूज करते हैं। देखो ध्यान दो, है ना, जो थ्योरम है ये कॉची गोरसट थ्योरम है, एक्चुअली ये रिवाइज थ्योरम है, इसका यूज यहां पर ज्यादा है, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं और इससे हमें कई बार इंटीग्रेशन निकालने में आसानी होती है। देखो कॉचीज का मतलब ये है कि ये हमारे इंटीग्रेशन को आसान करता है, ऐसा नहीं कि कॉची हर एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को निकाल देगा ना, इससे क्या होगा कई सारे इंटीग्रेशन ईजी हो जाते हैं। जैसे बहुत से इंटीग्रेशन पिछले वीडियोस में हमने ऐसे पढ़े हैं जो कॉची नहीं निकाल सकता, जो कॉची का थ्योरम उनको नहीं निकाल सकता, वो उसी मेथड से करने पड़ेंगे जिन मेथड से मैंने बताए हैं। कॉची कई सारे क्वेश्चन को इजी कर देता है, बस यही कॉची का यूज है, ऐसा नहीं कि हर सवाल आप कॉची से कर डालेंगे, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब जैसे कि मान लो मेरे पास एक फंक्शन एफ जेड है और ये मान लो मेरे पास एक रीजन है आर, इस रीजन में ये फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है, मान लिया एनालिटिक है एंड सिंगल वैल्यूड है। सिंगल वैल्यूड का मतलब मैंने बताया, इन रीजन आर, इस पूरे रीजन आर में ये फंक्शन एनालिटिक है और सिंगल वैल्यूड है, मान लिया। और मान लिया यहां पर पी से लेकर क्यू तक ये है दो अलग अलग पाथ हैं, मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर आपको पी से क्यू तक इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, P से Q तक इंटीग्रेशन करना है, मान लीजिए दो अलग अलग पाथ हैं। एक पाथ मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल पी ए क्यू है और एक पी बी क्यू है, तो पी ए क्यू और पी बी क्यू के अराउंड अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इन दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम होंगी। जैसे कि अभी तक मैंने बताया था बहुत सारे क्वेश्चन किए कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे थे, अलग अलग पास से जा रहे थे, लेकिन वैल्यू अलग अलग आ रही थी और कई जगह सेम भी आ रही थी। ऐसे हम लोगों ने अभी कई क्वेश्चन किए हैं पिछले वीडियोस में, और मैंने बताया था, वहां भी मैंने हिंट दिया था कि आगे चल के क्या होगा, मैं आपको कंडीशन बताऊंगा जहां पर ये वैल्यू सेम भी आएगी। देखो वही कंडीशन है क्या कि जो एफ जेड है इस पूरे में, मतलब इस पूरे से मतलब देखो अगर हम आर के, ये पूरा आर है, आर का बाकी पार्ट छोड़ दें, बस ये कहें कि इस कर्व के ऊपर और इसके अंदर एनालिटिक होना चाहिए इस एफ जेड को, और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, है ना। जहां पर भी आप कॉची थ्योरम का यूज कर रहे हैं ध्यान रखना, एनालिटिक और सिंगल वैल्यूड ये दो कंडीशन है, चाहे मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, एनालिटिक और सिंगल वैल्यूड ये दो कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, क्लोज्ड कर्व। तीन बातें हैं लगूंगी तभी हम कॉची थ्योरम का बेटा यूज करेंगे, और एनालिटिक कहाँ, उस कर्व के ऊपर भी और इसके अंदर भी। जैसे कि ये पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में ना भी ये एनालिटिक हो, बस केवल इस कर्व के ऊपर और इसके अंदर हो। तो देखो अब यहां पर एक नई बात सामने आई, उन्होंने कहा कि ये दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम हो जाएगी। अब देखो यहां पर तो हम जैसे पी ए क्यू कर रहे हैं, तो पी से क्यू तक जा रहे हैं, लेकिन पूरा क्लोज कर्व तो नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू जीरो थोड़ी है, कुछ और होगी। पूरा क्लोज कर्व होता तो वैल्यू जीरो होती, यहाँ पर हम पी ए क्यू जा रहे हैं तो देखो वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, यहाँ पर भी देखो पी वी क्यू जा रहे हैं तो वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, लेकिन जो भी आएंगी बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है और सिंगल वैल्यूड है, कहाँ पर, इस पूरे कर्व पर उसके अंदर। देखो ऐसा हुआ क्यों, इसके पीछे का रीजन वही है अपना, क्या कॉची थ्योरम है। देखो कैसे, अगर हम इसको एक पूरा सिंगल क्लोज्ड कर्व माने तो क्या होगा, पी ए क्यू बी पी, पी ए क्यू बी पी, पूरा हमने सिंगल क्लोज कर्व मान लिया, तो सिंगल क्लोज कर्व है तो इंटीग्रेशन जीरो होगा कॉची थ्योरम से। भाई पूरे कर्व को करेंगे तो इंटीग्रेशन जीरो होगा कॉची थ्योरम से, है ना, पूरा क्लोज कर्व हो गया ये। अच्छा अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें, एक ले लें देखो पी ए क्यू एफ जेड, इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर दें, एक पी ए क्यू प्लस क्यू बी पी, अगला ले लेंगे क्या बोलो क्यू बी पी,
FZDZ ऐसे कर दें, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दें, PAQ और QBP इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, कर सकते हैं। अब देखो ध्यान दो, ये जो QBP है ना, इसे उल्टा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। जैसे यहां पर हम Q से P आ रहे हैं, और अगर P से Q जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा भाई, लिमिट ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो जाएगी ना। बोलो, यहां पर हम Q से P जा रहे हैं, और अगर हम यहां पर इसको तो वही रखें FZ, इसको वही रखें FZ PAQ, और यहां पर देखो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ इंटीग्रेशन FZ और PBQ लिख सकते हैं, PBQ इसे उल्टा कर दिया। ये क्या था QBP, इसे उल्टा कर दिया तो PBQ हो गया, इसलिए माइनस हो गया, क्योंकि लिमिट ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो जाएगी, बस समझे ना, नीचे और बराबर जीरो हो गया। अब इसको उधर ले जाएं तो ये देखो यही चीज आ जाएगी, इसको उधर ले गए तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, यही हमको प्रूफ करना था। तो कैसे प्रूफ हुआ ये, इस कॉची थ्योरम से प्रूफ हुआ, क्योंकि पूरे क्लोज्ड कर्व पर। अच्छा देखो एक बात ध्यान दो, मैंने अभी कॉची थ्योरम का आपको प्रूफ नहीं बताया कि ये ऐसा क्यों होता है, इसका तुमको मैंने प्रूफ नहीं बताया, आगे बताऊंगा, परेशान मत हो। इस कॉची थ्योरम का तुमको मैंने अभी प्रूफ नहीं बताया है, मैं इस प्रूफ को आगे बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, परेशान मत हो, क्योंकि ये प्रूफ तुम्हारे BSc के सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी जो एग्जाम आप देते हो जहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वहां पर प्रूफ की जरूरत नहीं होती, वहां सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो दोनों ही बातें जरूरी हैं, आपका अगर BSc MSc में पढ़ रहे हो तो वहां प्रूफ भी आएगा, ठीक है ना, और अगर आप केवल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो वहां प्रूफ की जरूरत नहीं है, वहां केवल आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। तो ये बच्चों ध्यान रखना, मतलब यहां पर भी एनालिटिक वाली कंडीशन है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो फिर किसी भी रास्ते से आप इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है ना, ध्यान दो, है ना। पहले भी हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें दो अलग अलग रास्तों से वैल्यू अलग अलग क्यों आ रही थी, क्योंकि वो फंक्शन कहीं ना कहीं एनालिटिक नहीं होंगे, जहां पर भी वैल्यू अलग अलग आ रही थी वो फंक्शन कहीं ना कहीं एनालिटिक नहीं होंगे, ठीक है, ध्यान दो। देखो अब बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ो जिसमें आता है सिंपली कनेक्टेड रीजन एंड मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। जब तक रहे तन में जिया, बादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए। देखो ध्यान दो बच्चों, क्या हो रहा समझो ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं सिंपली कनेक्टेड रीजन, ठीक है, और दूसरा होता है इसे कहते हैं मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो ये हमारा एक रीजन है, क्लोज्ड रीजन है, और फंक्शन हमारा इस पूरे रीजन पर एनालिटिक है, है ना। तो ये हो गया बेटा सिंपली कनेक्टेड रीजन, फंक्शन हमारा पूरे जो हमारा FZ होता है, ये FZ इस पूरे में कंटिन्यूअस, इस पूरे में एनालिटिक है, इस पूरे में एनालिटिक है। देखो मान लो ये हुआ हमारा सिंपली कनेक्टेड रीजन। अब देखो जैसे कि हम एक रीजन ले लें यहां पर, और उसमें छोटे छोटे एक गोले कर दें, एक गोला कर दिया। अब हमारा फंक्शन मान लो यहां पर एनालिटिक है, बीच के अंदर में नहीं है, हमारा फंक्शन मान लो यहां पर एनालिटिक है, ठीक है, बीच में एनालिटिक नहीं है, इस पोर्शन में, बीच वाले पोर्शन में हमारा FZ एनालिटिक है। तो बेटा ये हुआ डबली कनेक्टेड रीजन, इसे कहते हैं हम लोग डबली कनेक्टेड रीजन, ठीक है, डबली कनेक्टेड रीजन। अच्छा मान लो ऐसा है, एक लिया, इसके अंदर दो छोटे छोटे पार्ट ले लिए ऐसे करके। अब मान लो हमारा फंक्शन इस पूरे रीजन में एनालिटिक है, बीच के अंदर वाले पार्ट में नहीं है, तो इसे हम कहते हैं ट्रिपली कनेक्टेड रीजन, इसे कहते हैं ट्रिपली कनेक्टेड रीजन, ठीक है। और कंबाइंड फॉर्म में इन दोनों को मल्टीपली कनेक्टेड रीजन बोल सकते हैं, मतलब ये दोनों क्या है, मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, ठीक है। अच्छा एक बात और समझो इंपॉर्टेंट यहां पर, जैसे क्या होता है बच्चों, यहां पर फंक्शन इस पूरे रीजन में कंटिन्यू एनालिटिक है,
यहाँ पर जैसे ये फंक्शन है तो पूरे रीजन में एनालिटिक है, लेकिन देखो इसके अंदर वाले पार्ट में एनालिटिक वो नहीं है, है ना। देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम इस फंक्शन को श्रिंक करें तो फंक्शन इस एरिया को छोड़ के नहीं जाएगा, वो मतलब हर जगह एनालिटिक रहेगा। यहां पर क्या हो रहा है, अगर हम फंक्शन को श्रिंक करें तो बीच का कुछ पोर्शन ऐसा आएगा जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा। पसीना देखो बेटा काफी निकल रहा है, गर्मी काफी हो रही है क्योंकि गर्मी बढ़ने लगी है और मैं यहाँ पर फैन चला नहीं सकता, कुछ भी चलाएंगे तो आवाज़ आती है, वीडियो डिस्टर्ब होता है, तो कोई बात नहीं बेटा, पसीने में वीडियो बना रहे, टेंशन नहीं करना, है ना। पसीने में वीडियो बनाना मेरे बेटा मेरी हैबिट में आ चुका है, कितनी भी गर्मी है मुझे गर्मी लगती नहीं है, कोई टेंशन नहीं पालना, तुम आराम से मस्त हो के इसी कूलर में पढ़ो, तुम कहे को टेंशन ले रहे हो यार, तुम पढ़ो आराम से सीखो बस। चलो खैर, यहाँ पर देखो अगर हम रीजन को श्रिंक करें तो बीच में कुछ ऐसा पोर्शन आएगा जहां पर फंक्शन नॉन एनालिटिक होगा, ठीक है, ये बात समझो, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में मल्टीपली कनेक्टेड रीजन कहते हैं, इसको हम सिंपली कनेक्टेड रीजन कहते हैं। देखो अब एक बात और समझो इंपॉर्टेंट, देखो क्या होता है बेटा, जैसे कि मान लो हमारा ये एक मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है, देखो इसे क्या होता है बच्चों, यहां पर मान लो मेरा एक मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है ऐसे करके, ये है। अब देखो ये लोग क्या करते हैं देखो, जैसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इधर से और एक लाइन इधर से, है ना। तो क्या करते हैं देखो कि जैसे ये रीजन था, मान लो हमारा फंक्शन इस पूरे रीजन में एनालिटिक है ऐसे करके, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं देखो, एक छोटा सा कट लगा करके इसको खोल देते हैं। नहीं समझे बात को, देखो मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे, हाँ वायर लेता हूँ, वायर देखो ये वायर है समझे, ये हमारा क्लोज्ड है, थोड़ा छोटा करा जाए, ये हमारा क्लोज्ड कर्व है, देखो इसके अंदर मान लो एक सर्कल मैं बनाऊँ ऐसे करके, देखो ये सर्कल बना दिया, ये इसके अंदर है, ठीक। अब आपका जो फंक्शन है वो इस पार्ट में एनालिटिक है, इसके अंदर एनालिटिक फंक्शन नहीं है, इस पार्ट में फंक्शन आपका हर जगह एनालिटिक है, जितना भी रिंग शेप एरिया है ना इसमें फंक्शन आपका एनालिटिक है। तो क्या किया देखो, एक पतली सी ये लाइन दिख रही है ना, इस लाइन को ड्रॉ करके क्या किया, इस लाइन को ड्रॉ करके अगर हम देखो ये रीजन ऐसे खोल दें, ये देखो ये, तो अब जो बचेगा उस पूरे पार्ट में फंक्शन एनालिटिक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये जो रीजन था ये वाला जिसमें फंक्शन हमारा नॉन एनालिटिक था, ये भाग के चला गया बाहर, तो क्या बचा, पूरे पोर्शन में फंक्शन कैसा हो गया, एनालिटिक हो गया। तो क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके इस रीजन को ऐसे करके खोल देते हैं, तो ये जो पोर्शन है ये बाहर भाग जाता है और जो रीजन बचता है उसमें फंक्शन क्या हो जाता है, एनालिटिक हो जाता है। तो मल्टीपली कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में चेंज करने का ये तरीका होता है, है ना। और इस लाइन को बोलते हैं क्रॉस कट, जो ये लाइन लगाई गई ना, इस लाइन को बोला जाता है क्रॉस कट। तो क्रॉस कट करके आप एक मल्टीपली कनेक्टेड रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सिंपली कनेक्टेड रीजन वो होता है जिसमें हमारा अंदर और उसके ऊपर फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो। यहाँ पर इसके अंदर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, इसलिए ऐसा किया जाता है। देखो अगर मान लो ऐसा है, दो अंदर छोटे छोटे सर्कल हैं या तीन हैं, तो तीनों में आप ऐसे कर सकते हैं, एक क्रॉस कट यहाँ पर लगाया, एक क्रॉस कट यहाँ लगाया, एक क्रॉस कट कोई भी क्रॉस कट यहाँ 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 कोई भी लगा दो, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कोई कहे कि मैं क्रॉस कट ऐसे लगाऊंगा तो लगा दो, कोई कहे मैं क्रॉस कट ऐसे लगाऊंगा तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्रॉस कट आप कहीं से भी लगा सकते हैं। तो क्रॉस कट लगाने के बाद क्या होता है, ये मल्टी इसको हम ओपन कर देंगे, हर जगह से ओपन कर देंगे, तो ये पार्ट एयर में चले जाएंगे, ये पार्ट उस क्लोज कर्व के बाहर चले जाएंगे, तो ये क्या चेंज हो जाएगा, सिंपली कनेक्टेड रीजन में चेंज हो जाएगा। और उससे क्या फायदा होगा, बहुत फायदे होंगे, कॉची थ्योरम लग जाएगी, क्योंकि कॉची थ्योरम तभी लगती है ना जब फंक्शन पूरे अंदर वाले पार्ट में कैसा हो, एनालिटिक हो, ठीक है ना। तो कॉची थ्योरम उसमें लग पाती, इसलिए फायदा होता है। देखो
अब क्या होता है बच्चों, जैसे कि मान लो हम लोग यहां पर देखो अपनी कॉची थ्योरम को लगाते हैं इसमें, है ना, इसको हम लोग बेटा यहां पर लगाते हैं अपनी कॉची थ्योरम को, ठीक है। देखो इसको कहते हैं कॉची थ्योरम टू मल्टीपली कनेक्टेड रीजन। देखो हम लोग यहां पर अपनी कॉची थ्योरम को लगाते हैं, देखो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मान लो ये मेरे पास है और ये इसमें एक रीजन है, मान लो ये हमारा ऐसे करके C1 कर्व है और यहां पर आए 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 यहां पर आने के बाद मैंने क्रॉस कट लगा दिया AB और यहां पर जाने के बाद मान लीजिए ये ऐसे करके C2 है, फिर ऐसे देखो ये क्रॉस कट लगा दिया। देखो अब मान लो इस पूरे रीजन में फंक्शन एनालिटिक है, इस पूरे रीजन में मान लीजिए हमारा फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है FZ। मान लीजिए FZ इस पूरे रीजन में एनालिटिक है, FZ इज एनालिटिक, एनालिटिक इन रिंग शेप्ड रीजन, रिंग शेप्ड रीजन, ठीक। अब देखो अब अगर वही चीज है कि ये जो पूरा पूरा पार्ट हुआ इसमें फंक्शन एनालिटिक है, अगर मैंने क्रॉस कट से खोल दिया तो ये वाला चला गया एयर में बाहर, तो इस वाले पार्ट में फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिक। तो अगर एनालिटिक हो गया तो देखो हम क्या करेंगे, कॉची थ्योरम लगा सकते हैं। दो कैसे लगाएंगे, मान लो मैं ए से शुरू करता हूं, है ना, देखो ए से शुरू करता हूं, सी वन के थ्रू होता हुआ। अब देखो यहां पर जरा ध्यान दो, जैसे ये इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो क्रॉस कट लगाया इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये ऐसे करके, मतलब ये दोनों पॉइंट ए हैं, ये बी है, ये मतलब बहुत करीब बिल्कुल लग रहे हैं, वो करीब है नहीं एक्चुअली, थोड़ा सा उनमें गैप है, थोड़ा सा उनमें बारीक सा गैप है, है ना, एक पॉइंट का उसमें हमने गैप कर दिया बारीक सा। कई किताबें इनको ऐसे भी शो करती, थोड़ा गैप दिखा देती हैं, जो ज़्यादा ठीक होता है दिखाने का। तो जैसे अब मैं मान लीजिए ये भी ए है ये भी ए, दोनों करीब करीब पॉइंट दोनों ही ए है, बहुत क्लोज हैं, एक छोटा सा पॉइंट है बस, उतना ही यहाँ पर मैंने इसको तोड़ा, एक छोटा सा कट लगा करके मैंने क्रॉस कट लगा दिया, छोटा सा गैप है। तो जैसे मैं ए से चला, ये भी ए है ये भी ए है ये भी बी है ये भी बी है, दोनों बी है, तो मैं ए से चला, सी वन से होता हुआ ए पर आया। अब देखो ये क्लोज कर्व नहीं बन पाया क्योंकि एक कट लग गया ना छोटा सा, क्योंकि क्लोज कर्व लग जाता तो इतने का ही जो है वो इंटीग्रेशन जीरो हो जाता, लेकिन ये क्लोज्ड कट यहाँ पर मैंने, मतलब ये क्लोज्ड कर्व नहीं बना, यहाँ पर छोटा सा गैप आ गया, छोटा सा मैंने गैप कर दिया ऐसा मानते हुए। तो ए सी वन ए, फिर कहाँ गया, बी तक गया मैं, बी से मैं सी टू से होता हुआ फिर देखो बी पर आ गया और फिर मैं वापस देखो यहाँ पर ए पर आ गया। तो अब जाके क्या होगा कि जब मैं इसको बाहर फेंक दूंगा, जब मैं बाहर फेंक दूंगा तो ये पूरा हमारा देखो क्लोज्ड कर्व बन जाएगा। जब मैं इसको बाहर फेंक दूंगा तो अब ये जाकर बेटा पूरा जो है ये क्लोज कर्व हमारा एक बन जाएगा, ऐसा है यहाँ पर हम मानेंगे, क्योंकि उसमें पूरे में फंक्शन कैसा होगा, एनालिटिक होगा। तो इस पूरे में फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि इस पूरे में फंक्शन एनालिटिक है। क्योंकि देखो अगर ये अंदर ऐसे रहेगा बबल, मान लो ये अंदर ऐसे बबल रहे और फंक्शन यहां पर है और मान लो ये हमारा C1 है, तो अब आप यहां पर इंटीग्रेशन अलोंग C1 को जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो अगर आप एज इट इज करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, जब तक आप क्रॉस कट नहीं लगाते, क्योंकि क्रॉस कट लगा के आपने इस बबल को बाहर फेंक दिया और बाहर फेंकने से जो पार्ट बचेगा उसमें फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक। एक छोटा सा पॉइंट है जिसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, इग्नोरेबल पॉइंट है, ऐसा एजम्पशन यहां माना जाता है, क्योंकि इंटीग्रेशन करते समय अगर एक पॉइंट को निकाल भी दें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी आपने पढ़ा होगा। इंटीग्रेशन करते समय अगर आप किसी भी एक छोटे से पॉइंट को निकाल भी दें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं होती है, है ना। तो हमने क्या किया, ए से सी यहां पर आए यहां पर आए यहां पर आए यहां पर आए फिर वापस आ गए, तो अब हम ये मानेंगे हमारा क्लोज कंटूर पूरा हो गया, क्योंकि इस बबल को हमने बाहर उठा के फेंक दिया है ना, ये बात ध्यान दो। अच्छा अब देखो यहां पर ऐसे लिखे तो नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये C1 है, अब C1 के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जहां फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इसलिए आप ये बात यहां पर अभी नहीं लिख सकते,
अगर आप क्रॉस कट लगा दें तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि उस पूरे में फंक्शन एनालिटिक होगा। थोड़ा सा बेटा यहाँ पर एजम्पशन है, इसमें बहुत ज़्यादा चू चपाट नहीं करना, ठीक है? सर कैसे हो गया, कैसे हो गया, सर हम क्या करेंगे, ये क्या बात है, चलो एक पॉइंट निकाल, ज़्यादा नहीं इसमें बनते हैं, ठीक है भाई? एजम्पशन है, और ये मैंने एजम्पशन नहीं लिया भाई, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियन हैं, जिनकी जिंदगी बीत गई करते करते, उन्होंने लिया है। तो इसका जवाब मैं देने वाला कौन होता हूँ? वो जैसा बता रहे हैं वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ये एजम्पशन मैंने नहीं लिया भाई, अब मुझसे ना जरा सवाल जवाब करो। और अगर तुम बहुत बड़े मैथमेटिशियन बन जाना आगे चल के, तो ये सब खत्म कर देना, कैसा भी गलत चीज़ें हैं, कुछ नई थ्योरी निकाल देना, तो तुम्हारा नाम मैं भी लिया करूँगा, बच्चों को बताया करूँगा, यार मेरा एक स्टूडेंट था कितना होशियार था, देखो उसने थ्योरी को चेंज कर दिया। तो कई बार एजम्पशन मान लेने चाहिए, ज़्यादा उसमें चींचाचू नहीं करना चाहिए, ठीक? चलिएगा, अब देखो क्या हो बच्चों, इसको कई पार्ट में ब्रेक करें। एक पार्ट देखो ये हो गया, ये अपना C1 वाला पार्ट, C1 वाला पार्ट मतलब वही A2A वापस आ गए। C1 का मतलब यहाँ पर क्या है, AC1A, C1 वाला पार्ट हो गया। प्लस देखो क्या हुआ, A2B गए, A2B वाला पार्ट हो गया, A2B वाला पार्ट हो गया। प्लस फिर वापस B2B आए, फिर देखो ये वापस B, यानी इसको खाली C2B लिख सकते हैं, खाली C2 का मतलब यही हो गया कि हम यहाँ पर BC2B की बात कर रहे हैं। और फिर देखो खाली बी से ए आए, फिर हम देखो यहाँ पर खाली बी से ए आए हैं। तो इसको हम ऐसे अलग अलग पार्ट में इस पूरे को यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है? अब देखो ये समझो, ये ए बी और बी ए जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है ए बी और बी ए, क्योंकि ये ए से बी जा रहे हैं और यहाँ पर बी से ए आ रहे हैं, तो ये जीरो आपस में कैंसिल होकर के हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के निगेटिव होंगे, एक दूसरे के निगेटिव होंगे, वही ए टू बी और बी टू है, लिमिट चेंज हो गई ना, यहाँ पर आप ए से बी जा रहे हैं, यहाँ पर आप बी से ए जा रहे हैं, लिमिट चेंज हो गई, तो कट के जीरो हो जाएगा। अच्छा अब देखो क्या बचा, मेरे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड जिसकी डायरेक्शन ये है, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड C2 जिसकी डायरेक्शन ये है। अब देखो जैसे ये क्या है बेटा, एंटी क्लॉक वाइज है, और ये क्या है, क्लॉक वाइज। अब हम एक काम करें, देखो यहाँ पर हम इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर दें, ये क्या है फिलहाल अभी, ये क्या है क्लॉक वाइज है, तो इसको हम एंटी क्लॉक वाइज कर दें, इसे हम कर दें एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है? एफ जेड और बराबर जीरो, तो देखो यहां माइनस साइन आ जाएगा, मतलब लिखेंगे C2 ही, लेकिन ये C2 कैसा है, क्लॉक वाइज है, और ये C2 कैसा है, एंटी क्लॉक वाइज, इसलिए डायरेक्शन चेंज हो गई, है ना? क्लॉक वाइज को एंटी क्लॉक वाइज जब भी आप करोगे, ध्यान रखना किसी भी क्लोज कर्व में, तो डायरेक्शन अपने आप माइनस हो जाएगी, क्योंकि वही लिमिट चेंज हो जाएगी ना। जैसे कि मान लीजिए, समझो आप ध्यान से, मान लीजिए आप ये पॉइंट हमारा जीरो है, आप एंटी क्लॉक वाइज चल रहे हैं, तो लिमिट कहाँ जाएगी, जीरो से 2π जाएगी, ठीक? और अगर आप क्लॉक वाइज चल रहे हैं, तो लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 2π से 0 जाएगी, वही। तो इसलिए जस्ट अपोजिट आंसर आएगा, ठीक है? जब आप इसमें एंगल के रिस्पेक्ट में, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तो। और यहां पर यही माना जा रहा है कि भाई क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज का आंसर जस्ट एक दूसरे के निगेटिव आता है, इसलिए चूंकि ये था हमारा कैसा बोलो, क्लॉक वाइज, इसे कर दिया एंटी क्लॉक वाइज, तो आगे माइनस साइन लग गया, ये तो आपस में कट ही गए थे, क्योंकि इनमें ही वही था, एक ए से बी जा रहा था, एक बी से ए जा रहा था। तो देखो यहां से क्या हुआ, फाइनली यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला इंटीग्रल एफ जेड डी जेड अलोंग C1 बराबर इंटीग्रल एफ जेड डी जेड अलोंग C2, और दोनों की डायरेक्शन यहां पर एंटी क्लॉक वाइज है। तो बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें कॉची थ्योरम से मिला, कि मतलब अगर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन है, तो इंटीग्रल ऑफ C1 जो निकालोगे और इंटीग्रल ऑफ C2 निकालोगे आपस में बराबर होंगे और जीरो नहीं होंगे, क्योंकि C1 अकेले का इंटीग्रेशन जीरो नहीं है, क्योंकि C1 के अंदर कुछ पार्ट है जहां फंक्शन नॉन एनालिटिक है। मतलब इसको ऐसा समझिए आप, ये ऐसे है और ऐसे है C2 और C1, तो इस पार्ट में फंक्शन हमारा एनालिटिक है, लेकिन पूरे C1 का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि C1 के अंदर ये पार्ट है जहां फंक्शन नॉन एनालिटिक है। इसी प्रकार पूरे C2 का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि C2 के अंदर ये पार्ट है जहां फंक्शन नॉन एनालिटिक है, लेकिन दोनों आपस में बराबर हैं, उसकी वैल्यू जो भी है, इसकी वैल्यू जो भी है, लेकिन आपस में बराबर हैं, है ना? ये इंपॉर्टेंट है,
सीवन अगर, हाँ सीवन के अंदर ये नहीं होता। अगर मान लो मैं खाली ये सीवन बनाऊं, खाली ऐसे बनाऊं और सीवन के अंदर ये सब ना बनाऊं तो जीरो हो जाएगी वैल्यू। अगर मैं खाली सीवन बनाऊं और इसमें पूरे में फंक्शन को एनालिटिक कर दूं तो इस पूरे के अलॉन्ग इंटीग्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। या मैं खाली C2 बनाऊं ऐसे करके खाली C2 बनाऊं और C2 के अंदर मैं कर दूं फंक्शन को एनालिटिक, तो अब खाली C2 के अलॉन्ग वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। तो क्योंकि C2 के अंदर फंक्शन एनालिटिक है और C2 के ऊपर भी एनालिटिक, ऐसा मान रहे हैं। लेकिन अब देखो इसमें अगर आप C1 के अलॉन्ग करोगे तो वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि C1 का मतलब ये पार्ट हो गया ना जहां फंक्शन नॉन एनालिटिक है। हाँ अगर आप ऐसा कर दें, समझो बात को ध्यान, सारे कंफ्यूजन बेटा दूर होने बहुत जरूरी है। ये एक एक बात देखो, जैसे कि मान लो मैंने ये C1 लिया और पूरे में फंक्शन को कर दिया एनालिटिक, तो इंटीग्रल FZ अलोंग C1 हो गया जीरो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मान लो मैंने ऐसे लिया C1 और ऐसे लिया C2, अब मैंने C2 के अंदर कर दिया एनालिटिक और C2 के ऊपर कर दिया, तो FZ DZ अलोंग C2 जीरो होगा। लेकिन अब देखो इसी में अलोंग C1 जीरो नहीं होगा, इस वाले में इसी में C2 के अलोंग जीरो होगा, लेकिन इसी में अगर मैं अलोंग C1 करूंगा तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि देखो इस वाले पोर्शन में तो फंक्शन एनालिटिक हुआ ही नहीं ना, है ना, इस वाले पोर्शन में फंक्शन तो एनालिटिक हुआ ही नहीं ना, इसलिए ऐसा है। अच्छा अब देखो अगर मैं ऐसा करूं कि ये C1 है और मान लीजिए ये C2 है, अब मैं इसमें भी फंक्शन को कर दूं एनालिटिक और इसमें भी फंक्शन को कर दूं एनालिटिक, पूरे में मैं फंक्शन को कर दूं एनालिटिक, तो दोनों ही जीरो हो जाएंगे। C1 भी जीरो हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर हर जगह फंक्शन एनालिटिक है, और इंटीग्रल FZ DZ और C2 भी यहां पर जीरो हो जाएगा क्योंकि C2 के अंदर भी फंक्शन हर जगह एनालिटिक है, ठीक है ना। ये सारी बातें ध्यान दो, ठीक है। देखो यहां पर अकेला C1 ही है तो C1 के अलोंग फंक्शन क्या है बोलो, एनालिटिक है C1 के अंदर, तो इंटीग्रेशन जीरो। यहां पर C2 के अंदर एनालिटिक है तो C2 के अलोंग इंटीग्रेशन जीरो, लेकिन C1 के अलोंग इंटीग्रेशन जीरो, यहां पर C1 के अलोंग इंटीग्रेशन जीरो नहीं होगा, सॉरी C1 के अलोंग इंटीग्रेशन जीरो यहां पर नहीं होगा क्योंकि इस पार्ट में हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। C2 के अंदर इंटीग्रेशन जीरो होगा क्योंकि C2 के अंदर फंक्शन कैसा है, एनालिटिक, अंदर भी और ऊपर भी। जिस कर्व के अंदर और ऊपर फंक्शन एनालिटिक है और सिंगल वैल्यूड है, ये सिंगल वैल्यूड मैं बार बार बोल नहीं रहा हूं लेकिन सिंगल वैल्यूड की कंडीशन यहां पर है। जिस पूरे कर्व के ऊपर और अंदर फंक्शन एनालिटिक है और सिंगल वैल्यूड है, उस पूरे क्लोज्ड कर्व पे इंटीग्रेशन हमेशा जीरो होगा। यहां पर देखो C1 पर भी जीरो है, C2 पर भी जीरो है, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा था वो ये केस था ऐसे। अब फंक्शन हमारा यहां पर एनालिटिक था, तो जब फंक्शन यहां पर एनालिटिक था तो मैंने क्रॉस कट बना करके उसको सिंपली कनेक्टेड रीजन में चेंज कर दिया था, और फिर इसके लिए थ्योरम ये आई थी, मान लो ये C1 है और मान लो अंदर वाला C2 है, अंदर वाला मान लो C2 है, तो इसके लिए ये थ्योरम आई थी कि C1 के लॉन्ग इंटीग्रेशन और C2 के लॉन्ग इंटीग्रेशन सेम होगा, क्योंकि देखो अब C1 के अंदर भी ये पार्ट आ रहा है जहां फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो ये टर्म भी जीरो नहीं होगा, C2 के अंदर भी ये पार्ट आ रहा है जहां पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है इसलिए ये टर्म भी जीरो नहीं होगा, लेकिन दोनों आपस में बराबर होंगे। और हाँ, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज लिया गया। जब तक मैं कुछ ना बताऊं ये ध्यान रखना कि हर जगह इंटीग्रेशन को एंटी क्लॉकवाइज ही ले रहे हैं। क्लोज्ड कर्व पर जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे और अगर हम कुछ भी ना लिखें तो समझ जाना हम इंटीग्रेशन को एंटी क्लॉकवाइज ही ले रहे हैं, ठीक है। हर जगह इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, अगर मैं कुछ ना बताऊं तो, अगर बता दूं क्लॉकवाइज तो खैर बात ही खत्म हो गई। और हाँ, अगर जीरो है वैल्यू तो चाहे एंटी क्लॉकवाइज दो चाहे क्लॉकवाइज दो, वैल्यू तो जीरो आनी है। जैसे कि मान लो यहां पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिया C2 का, या यहां पर मान लो मैंने C1 का एंटी क्लॉकवाइज दिया, वैल्यू जीरो है। अगर मैं इसी को क्लॉकवाइज दूंगा तब भी जीरो आएगा, क्योंकि जीरो के आगे माइनस लगाओगे तो वैल्यू जीरो ही रहेगी ना।
भाई अगर एंटी क्लॉक वाइज जीरो है तो क्लॉक वाइज में क्या होगा, एक माइनस आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा तो जीरो का माइनस करोगे तो वो भी जीरो ही रहेगा, तो वही चीज़ है। अगर जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे क्लॉक वाइज दो चाहे एंटी क्लॉक वाइज दो, लेकिन अगर जीरो नहीं है तो दिक्कत है। अब ऐसे यहाँ पर सी वन को मैं अगर एंटी क्लॉक वाइज दे रहा हूँ तो सी टू को भी मैं एंटी क्लॉक वाइज ही लूंगा, अदरवाइज फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा एक जगह। अगर एक को लिया एंटी क्लॉक वाइज एक को लिया क्लॉक वाइज तो माइनस साइन आ जाएगा फिर यहाँ पर, या तो दोनों को एंटी क्लॉक वाइज लें तो दोनों प्लस होंगे, या दोनों को क्लॉक वाइज लें तब भी दोनों प्लस होंगे। एक को एंटी क्लॉक वाइज दिया एक को क्लॉक वाइज दिया तो फिर माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। और हाँ, यहाँ ये दोनों ही इंटीग्रेशन का जीरो होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी होगा बराबर होगा, यही मैंने आपको बताया, इसी का मैंने अभी आपको प्रूफ यहाँ पर दिया था। ठीक है, यहाँ पर इस रिंग शेप्ड एरिया में फंक्शन एनालिटिक है, इसके अंदर नहीं है एफ जेड फंक्शन। एफ जेड फंक्शन जो यहाँ दिख नहीं रहा, इस किसी भी डायग्राम में एफ जेड आपको नहीं दिख रहा, यहाँ पर आपको केवल सी सी वन सी टू दिख रहे हैं, कर्व दिख रहे हैं, जिन कर्व के लॉन्ग इंटीग्रेट करना वो कर्व दिख रहा है, एफ जेड यहाँ कहीं नहीं आपको दिख रहा है। एफ जेड कोई फंक्शन होगा, पता नहीं क्या है वो, लेकिन एफ जेड कोई भी हो इन कंडीशन को हमेशा वो पूरा करेगा, बस समझे। अच्छा, अब देखो, समझो जरा बच्चों ध्यान से क्या होगा। इसी थ्योरम को अगर हम थोड़ा आगे ऐसे बढ़ाएं, इसी को देखो, इसी को हम ऐसे बढ़ाएं कि मान लीजिए एक कर्व हमारा सी है और यहाँ पर छोटे छोटे मैं सी वन सी टू और सी थ्री ले लूँ, कई सारे अलग अलग ले लूँ मैं मल्टीपली कनेक्टेड रीजन, तो सेम मेथड से अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा इंटीग्रल। अब देखो हमारा जो फंक्शन है वो इस पूरे रीजन में एनालिटिक है, इस रीजन में ये जो छोटे छोटे सर्कल हैं इसके अंदर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, जो छोटे छोटे सर्कल हैं इसके अंदर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, बाकी हर जगह फंक्शन एनालिटिक है। सी वन सी टू सी थ्री के अंदर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, इसलिए सी की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होगी, बल्कि ये होगी एफ जेड अलॉन्ग सी वन डी जेड प्लस एफ जेड डी जेड अलॉन्ग सी टू प्लस होगी एफ जेड डी जेड अलॉन्ग सी थ्री। इसी से कॉची थ्योरम से ही हम इसको निकाल सकते हैं, वही क्रॉस कट बनाने पड़ेंगे, जैसे इसमें एक क्रॉस कट बनाया था, इसमें तीन अलग अलग क्रॉस कट बनाने पड़ेंगे, इस रीजन को सिंपली कनेक्टेड रीजन में बदलना पड़ेगा क्रॉस कट बना करके, क्योंकि वो क्रॉस कट बनाने से बबल जो है बाहर निकल जाता है, तरीका मैंने बताया था ना बायर की हेल्प से भी, वही चीज है। तो यहां पर बच्चों इसको यूज कर सकते हैं, कई सारे हो सकते हैं उन सबका सम, और यहां पर ध्यान रखना सभी का जो इंटीग्रेशन है वो हम ये मान रहे हैं कि हमने एंटी क्लॉक वाइज लिया है सभी का इंटीग्रेशन, इसका भी एंटी क्लॉक वाइज लिया है, इसका भी एंटी क्लॉक वाइज, इसका भी एंटी क्लॉक वाइज, इसका भी एंटी क्लॉक वाइज लिया है, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन जीरो नहीं है क्योंकि उसके अंदर कुछ पार्ट ऐसा बच रहा है जहां फंक्शन एनालिटिक नहीं है, फंक्शन केवल इस रीजन में एनालिटिक है, क्योंकि अगर अंदर हर जगह फंक्शन एनालिटिक होता तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे जीरो हो जाती। मैं समझे, लिखो जल्दी से, तो बच्चों अब हम लोग आगे एक और देखो इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ने वाले हैं। देखो ये फार्मूला क्या बता पाऊंगा आपको, देखो जल्दी से, मौसम है आशिकाना ऐ दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। देखो ध्यान दो, अब जैसे देखो एक फार्मूला होता है, इसे हम कहते हैं कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला, कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला। चलो अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं, क्योंकि ये वीडियो अगर लंबा जाएगा ना तो बीच में अपने आप ब्रेक हो जाएगा, तो बच्चों इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तो ये जो अभी मैं वीडियो इसमें बना रहा हूँ, इसका अगला वीडियो जो भी आने वाला है जस्ट अभी कुछ देर में आ जाएगा, ये दोनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसके बिना हम आगे की चीज़ें नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम लोग इसको अगले वीडियो में पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगले वीडियो में कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल भी करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं बेटा, बाय बाय।